लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सत्ता ना जाए तुम्हारा रे बच्चों, क्यों मेरे सीधे साधे बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाया करते हो बेवकूफ? क्यों गया था वहां? किसने कहा था इतने ऊपर से कूदने को? राधा मैम साहब ने, अगर मैं ना कूदता तो वो मुझसे शादी नहीं करती ना। जरा देखो इसकी अकल को। अरे तू उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है, वो क्या शादी करेगी तेरे साथ? क्यों नहीं करेंगी? जरूर करेंगी वो मेरे साथ शादी। मैं उनको पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है। पूछो मेरे दोस्तों को, पूछो। अरे तुम दादी माँ को बता दो, सब बता दो। वो हीरो, वो हीरोइन वाली बात बता दो, वो वाली बात भी बता दो, वो वाली बात बताओ। नहीं पेटू राम, राधा मैम साहब तेरे से शादी नहीं करेंगी। साले मोटू, एक लात मारूंगा फुटबॉल की तरह उड़ जाएगा। तुम सब लोग दादी माँ से डरते हो। हाँ लेकिन मैं नहीं डरता, मैं भगवान के सिवा किसी से नहीं डरता। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ तुम। राधा मैम साहब से शादी की बात मैं खुद ही करूंगा। तुम लोग देखना, वो मेरे साथ ही शादी करेंगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। ये क्या शोर लगा रखा है तुम लोगों ने, ये अस्पताल है। चलो चलो बाहर चलो तुम लोग। हाँ नर्स, निकालो सबको, सबको निकालो। सब लुच्चे हैं, सब बदमाश हैं, सब झूठे हैं। आप भी जाइए ना, आप चलो, शाम को आ जाइए आप। बेटे राम। अरे मैम साहब आप आइए आइए। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इस टांग में थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन ये टांग बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा है खतरे की कोई बात नहीं है। मैम साहब आप रोइए मत, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। राम एक कीड़े के कटने से भी लोग मर जाते हैं, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम्हारे सिर्फ एक ही पांव में चोट आई, जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना भगवान, वो जानता है कि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम्हारा दिल एकदम साफ है। फिर अगले रविवार को शादी कर ले। पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ राम, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी जल्दी ठीक हो जाना। अच्छा अच्छा। तबीयत कैसी है उसकी, पेटू राम की? उसका नाम राम है। अच्छा चलो श्री राम सही, जिंदा है या? तेज भैया ऊंची आवाज से नहीं बोलोगी तो भी सुनने वाले सुन ही लेंगे, और सुनना क्या है सब सुन चुके हैं। सारे गांव में चर्चा है कि ठाकुर हनुमंत सिंह की इकलौती बेटी जो के इस आधे गांव की मालकिन है, आधी रात को एक भिख मंगे पेटू राम को अपने कमरे में बुलाती है। मैंने नहीं बुलाया था, वो अपने आप आया था। ये बात किस किस को समझाएंगे हम? हाँ ढोल पिटवा कर सड़कों पर या चौराहों पर ऐलान करवाएंगे। और एक बात और सुनती जाओ, अगर आइंदा तुम उससे मिलने के लिए गई या वो यहाँ आया तो बहुत मुमकिन है मैं उसे गोली से उड़ा दूं। पेटू राम, अरे पेटू राम तुम्हें कुछ मालूम है क्या? वो जमींदार राधा मेम साहब की शादी कहीं और करवा रहे। क्या? हाँ नहीं नहीं मेरे होते हुए नहीं हो सकता। ये दो नाली मैंने होशंगाबाद से मंगवाई है। ठाकुर साहब ये जरा उस तरफ। अरे चौधरी साहब इसमें गोली वोली कुछ नहीं है। अजी उससे क्या होता है, ठाकुर तेज सिंह का तेज ही कुछ ऐसा है कि अगर उन्होंने खाली बंदूक का घोड़ा भी दबा दिया तो अगला कहता तो क्या काम से समझोगे बस राम ही नाम सकते हैं। छोड़ो ना कमीज पड़ जाएगी। कहा ना ठाकुर साहब अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अरे मैं ठाकुर साहब से नहीं राधा मैम साहब से मिलने आया हूँ। राधा मैम साहब,
राधा मेम साहब। ध्यान सिंह जी मलिक, इसे आने दो। देखो ठाकुर साहब मुझे बुला रहे हैं, यूं यूं किया। जाओ 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 ना। अरे कमीज तो छोड़ो ना। आइए आइए दूल्हा राजा, आइए आइए। दूल्हा राजा कहाँ है दूल्हा राजा? अरे मेरे सामने आप। हाँ? आप श्रीमान जी। मैं? इस घर के दामाद, मेरे होने वाले बहनोई। फिर ठीक है, वो साला राम खिलावन तो कहता था कि आप राधा मेम साहब की शादी किसी और से कर रहे हैं, गधा कहीं का। सवाल ही पैदा नहीं होता। चाचा जी ने मरते वक्त मुझे राधा के लिए बिल्कुल आप जैसा दामाद ढूंढने को कहा था। ठाकुर साहब इनका परिचय कुछ हम लोगों से भी तो करवाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। ये है हमारे स्वर्गीय ठाकुर हनुमंत राय की इकलौती बेटी और इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती वारिस राधा, राधा के होने वाले पति देव श्रीमान राम। पेटू राम। पेटू राम। वाह वाह वाह, क्या सुंदर नाम। ये लोग? हाँ आपको बुलवाता हूँ इनसे। ये है राय बहादुर श्री जमुना प्रसाद जी, जरिया में इनकी बहुत बड़ी कोयले की कान है। और ये है श्री कैलाश नाथ जी, करोड़पति हैं करोड़पति, गांव में इनकी 5000 भैंसे और 500 गाय हैं। ओ बाप रे, इतनी गायें और भैंसे हमारे गांव में आ जाएं तो उनको खाने के लिए सारे गांव की घास कम पड़ जाएगी। नहीं। और ये है चौधरी हरभजन सिंह जी, जिनकी जायदाद और दौलत का कोई ठिकाना ही नहीं है। पूरब में 100 एकड़ चावल के खेत और पश्चिम में दूर तक फैले हुए नारियल के पेड़। और उत्तर में? उत्तर में सिर्फ एक छोटा सा आम का बगीचा है इनका, 2000 पेड़ों का। 2000? अगर इनका बाग हमारे गांव में होता ना, तो मैं रोज रात को खाना खाने के बाद चोरी से इनके बाग में घुसता और खूब आम खाता नमक लगा के। और इनसे मिलिए। ये है दीवान साहब श्री लालचंद जी, इनका हीरों का कारोबार है, हर बड़े शहर में इनकी दुकानें हैं। ठाकुर साहब दुल्हा राजा क्या खड़े ही रहेंगे? ओ भूल हो गई भूल हो गई, आइए बराजिए ना। बराजिए बराजिए बराजिए। आप लोग भी बैठिए। मेरे दोस्त लोग हैं ना, वो भी ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई बैठने जाता है डूब से गिरा देते। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की, हाथ मिलाइए। ये क्या किया आपने? कमीने, हवेली में कदम रखता है, राधा का नाम जबान पर लाता है। उसके पत्थे कुत्ते जाहिल साले, ढंग के कपड़े नहीं पहनने को, कल के खाने का ठिकाना नहीं और शादी करने चला है। वो भी ठाकुर तेज सिंह की बहन, बदतमीज। अरे मजनू की गरीब बेचारे को पीट रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? देखिए मैम साहब, ये लोग मुझे वैसे ही मार रहे। मेरे दोस्त ने बताया कि आपकी शादी ये लोग किसी और से कर रहे, तो मैं भागा चला ये कहने के लिए कि आपकी शादी मेरे साथ होगी। इसमें मेरा क्या कसूर है, फिर भी मानने लगे मुझे ये लोग। आप समझाइए ना। हाँ समझाता हूँ, लेकिन बातों से नहीं लड़ा। नहीं खींच भैया, तुम हट जाओ यहाँ से। नहीं जनाब, अरे हाथ छोड़िए, बहुत नालू से टूट गया तू, अब आदमी आइए शायद। छोड़ दीजिए बेचारे को, वो बेचारा गरीब है, देता है प्लीज। मत मारो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। अरे बस करो ना। अरे बस करो ना, दुखता है। नाली के कीड़े, तुम्हारी ये औकात।
राधा से शादी करना चाहते हो? अरे बड़े बड़े लोग जिनके पास लाखों की दौलत है वो इसका हाथ मांग रहे हैं। अरे रुपयों की बात कौन कर रहा है, बड़ा लाख लाख कर दे। कितना होता है लाख रुपया? इतना इतना इतना? अरे बेवकूफ, तुम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि लाख रुपया कितना होता है, समझे? हाँ हाँ समझे। लाख कितना होता है? चारों से भी ज्यादा मारा तुमने मुझे। मैं लेके आता हूँ लाख रुपया, फिर क्या करोगे? हाँ बोलो। अरे तुम लाख रुपया लेके आओगे? हाँ हाँ मैं लेके आऊंगा, एक नहीं 10 लाख रुपए लेके आऊंगा। फिर करोगे राधा मेम साहब की शादी मेरे साथ? बोलो। तुम्हारी शादी हम राधा मेम साहब से कर देंगे, पहले से 10 लाख रुपया लेकर आओ। ठीक है। धरती माँ की कसम है मुझे, मैं एक दिन इसी घर में एक बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, 10 लाख रुपए लेके आऊंगा और राधा मेम साहब से शादी करूंगा, देख लेना तुम। और तुम लोग सब बड़े लोग हो ना, पैसे वाले लोग हो ना, तुम लोग भी गवा रहे ना। और अरे दिल्ली के बैंस वाले, तूने मेरे पेट पे लात मारी थी ना, तू भी याद रखना, भूल मत जाना। राधा मेम साहब मैं जा रहा हूं, मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, 10 लाख रुपए लेके आऊंगा और आप ही के साथ शादी करूंगा मैं। जा रहा हूं मैं। आ जाओ जाओ जा। तूने राधा मेम साहब का हाथ खींचा था ना, हाँ उनको धक्का मारा था ना, देख लूंगा तुझे मैं, देख लूंगा। हाँ ठीक है देख लेना, अब दबा हो जाए। बहुत बार मुझे ध्यान से हाथ मत लगाओ हमारे दुल्हा राजा को। थोड़ी जा रहा हूं दादी माँ, बस 10 लाख रुपए ही तो कमाने हैं। अरे जानता है 10 लाख कितने होते हैं? नहीं लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मैं 10 लाख रुपए जरूर कमाऊंगा और फिर उस साले ठाकुर के मुंह पे फेंकूंगा और कहूंगा उठा ले पैसे और अब कर दे मेरी शादी राधा मेम साहब से। मेम साहब आप ही इस बेवकूफ को समझाइए, मेरे तो कुछ सुनता ही नहीं। नहीं नहीं मैम साहब, आज मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा, मुझे रुकने के लिए मत बोलना। नहीं बोलूंगी राम, नहीं बोलूंगी, जाओ और साबित कर दो कि तुम भी कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आपका इसकी जान लेकर ही रहेगी मैम साहब, ये देखिए देखिए ये देखिए, अधमरा तो कर दिया आपके भाई ने इसे, हम और क्या चाहती है आप। दादी माँ बहुत दुखता है राम। नहीं अब तो बिल्कुल नहीं दुखता,
आपने छू दिया ना, बस सारा दर्द चला जाए। पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। हाँ राम, भगवान करे इन चोटों की एक एक निशान तुम्हारे तरक्की की एक एक सीढ़ी बने। तुम इतने ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो कि आसमान की ऊंचाइयां भी तुम पर नाश करें। जाओ राम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वादा वादा। इतनी ऊंचे उठो, इतनी ऊंचे उठो कि आसमान की ऊंचाइयां भी तुम पर नाश करें। जाओ राम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस बार भी नहीं। पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, और इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। अरे गोपी, अरे पेटू राम, पेटू राम। गोपी तू यहाँ कैसे, कब आया? बहुत दिन हो गए। वाह गोपी, क्या कपड़े पहने हैं तूने, तू तो एकदम साफ लगता है। अब मैं गोपी नहीं हूँ, मास्टर चंदन हूँ, फिल्म आर्टिस्ट। रोज डायलॉग बोलता हूँ ना, इसलिए 50 रुपए मिल जाते हैं। 50 रुपए एक दिन के? हाँ। यार गोपी, मुझे फिल्म में काम मिल सकता है? जानस मारते हैं, अपने काम पर खुश है असिस्टेंट डायरेक्टर। कल तुम ऐसा चलना स्टूडियो में, चल। अरे गणेश जी, अरे नया काम शुरू होने से पहले ही आपके दर्शन हो गए। आशीर्वाद दीजिए गणेश जी। सुखी रहो बच्चा, एक बीड़ी है। बीड़ी? गणेश जी बीड़ी? जूनियर आर्टिस्ट है, चल। अरे चल ना यार। बीड़ी? नमस्ते। आग लगा दूंगा सारी की सारी फिल्म को, सारी फिल्म फिर से शूट करूंगा। क्या समझ रखा है मुझे, सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर? कौन सर? यही श्याम कुमार। आज फिर नहीं आए वो? नहीं आया। बहुत गलत बात है सर, किसी और को लेकर बनाते फिल्म पूरी हो जाती, रिलीज हो जाती, जुबली भी हो जाती। हो गई होती, लेकिन श्याम कुमार का मार्केट है ना आजकल। आप ही ने तो बनाया है सर, अगर आप चाहें तो लकड़ी के खंभे से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, तुम बहुत समझदार आदमी मालूम होते हो। मैं? हाँ बहुत सर, श्याम कुमार से अच्छा नाच सकता है, किशोर कुमार की तरह गा सकता है। मेरी मुझे पे तू बस बस, दारा सिंह की तरह फाइटिंग कर सकता है। माफ करना साहब, माफ करना। कैसा लगा? शंभू आने दो, चल 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 चल।
नमस्ते साहब, नमस्ते। मुझे काम मिलेगा साहब? तुम समझते हो दूसरों की नकल करके तुम एक्टर बन जाओगे? आपके हो तो ये क्यों किसी की नकल करेगा सर? आप सिखाएंगे, ये सीखेगा। ये मुझे सिखाएंगे? अरे इनसे पूछो, इनको मुंह से तबला बजाना आता है? मुंह से शहनाई बजानी आती है? बरखुदार, ये नकल, ये मस्करी, इसे एक्टिंग नहीं कहते। फिल्म में जान डालनी पड़ती है। कलेजा काट कर जो आवाज निकलती है वही जनता तक पहुंचती है। जा, भाग जाओ यहां से। नहीं साहब, साहब मैं आपके पांव पड़ता हूं साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई भी काम दीजिए साहब। मैं अपने गांव नहीं जा सकूंगा वापस, किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। मुझे कुछ भी करके 10 लाख रुपए कमाने हैं। 10 लाख रुपए? और तुम कमाओगे? तुम 10 लाख तुम कमाओगे? तुम? हाँ, मैं कमा के लाऊंगा 10 लाख रुपए। कितना होता है 10 लाख? कितना होता है? इतना इतना इतना? धरती माँ की सौगंध है, मैं एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और 10 लाख रुपए लाऊंगा और आपके मुंह पे फेंकूंगा। राधा मेम साहब, मैं 10 लाख रुपए लाऊंगा और इनके मुंह पर फेंकूंगा, लेकिन आपके सिवा किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। और आप लोग सब बड़े लोग हैं ना, पैसे वाले, तुम लोग भी कमा रहे ना, भूलो जाना। मैं 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा, मैं जा रहा हूं। हाँ, और 10 लाख रुपए लेकर ही आऊंगा, लेकर ही आऊंगा, लेकर ही आऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? पेटू। राम, राम सर। नहीं, आज से तुम्हारा नाम राम कुमार। राम कुमार। लाइट, साउंड कट, कैमरा कट, संभावना टेक वन, एक्शन। नमस्ते गुरु। नमस्ते गया भाड़ में, कैसी आदमी हो तुम? ये क्या ढंग है तुम्हारा, मैं तुम्हें समझ लूंगा। एक मिनट, ये क्या ढंग है तुम्हारा? जो कोई भी मुझसे मिलने आता है तुम उसे बाहर खड़ा कर देती हो कुत्ते की तरह। इतना तो सोचना चाहिए, इतने बड़े आदमी हमारे घर पधारे हैं। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ इनके लिए। आइए गुरु। नहीं नहीं, अरे गुरु क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बनते हैं? कुछ ही महीनों पहले आपकी टांगों का ऑपरेशन हुआ था, अब देखिए यूं खड़े खड़े टांगों पर कितना बोझ पड़ता है। देखिए आप, देखिए मेरा तो कुछ नहीं, खाओ हाँ आपको दोबारा ऑपरेशन न करवाना पड़े। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन टांगों को आराम मिलना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। इसे अपना ही घर समझिए। के ख्याल से आपकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है मिस्टर रामकुमार? किस्मत? जी नहीं, प्यार। मुझ में कभी ना बड़ा आदमी बनने की चाहत थी,
न काबिलियत। मैं जो भी बना हूं किसी के प्यार में बना हूं। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। क्या हम वो खुशनसीब लड़की का नाम पूछ सकते हैं? नाम क्यों, आप थोड़ा सा सफर कीजिए, बहुत जल्द मैं खुद ही उस लड़की को आपके सामने पेश करूंगा। क्या बात है राम भैया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, अपने अपने गांव में पहला स्कूल खुल रहा है और फिर उसका उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है, खुशी की बात तो है ही। अच्छा, तो सिर्फ स्कूल के उद्घाटन की खुशी है और कोई बात नहीं? और क्या हो सकती है? स्कूल उद्घाटन। चुप। राधा, लेकिन आप यहाँ? तुम इतने दिनों बाद लौटे हो ना राम, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही तुम्हारा स्वागत करूं। उद्घाटन स्कूल